एज अ पाकिस्तानी हर किसी को अपने वतन से मोहब्बत होती है। एक नेशन के बाशिंदा होने के नाते हर कोई अपने मुल्क से प्यार करते हैं, इसी तरह हम सियाचिन में रह के पाकिस्तान से प्यार करते हैं क्योंकि वी आर पाकिस्तानी। दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, वो भाई साहब तो ये देख लें आप लोग, ओ क्या सीन बनी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग आप लोगों को लेके जा रहे हैं जी सियाचिन के पहाड़ों में, और यहाँ से मतलब हमारे जो ब्रुक है जहाँ पर हम भेड़ बकरियाँ बेचते हैं उस साइड जा रहे हैं, और रोड आप लोगों को दिखाएंगे और पहाड़ भी दिखाएंगे बड़े बड़े। तो चलें आइए करते हैं हम अपना व्लॉग स्टार्ट। तो मैं और मेरा भाई हैदर निकले हैं अभी अभी गाँव से जा रहे हैं, और रोड थोड़ा सा कच्चा है, ये ऊपर जो इस साइड से जा रहा है इस रोड से हमें जाना है, और आप लोगों को दिखाएंगे सियाचिन के पहाड़ और उसकी खूबसूरती। सो चल लें जी। काम का वक्त भी है और देख सकते हैं ट्राली लोड कर रहे हैं। तो बहुत ही ख़तरनाक रोड है यहाँ पर, 4x4 को भी बहुत ये देख सकते हैं टायर कितना फिसल रही है, और अभी हमने जो है चलना स्टार्ट किया, अभी इससे भी ख़तरनाक रोड है, उन सब को पार करके हमने आगे निकलना है और आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ की खूबसूरती। तो ये रहा जी हमारा गांव, और गांव से तकरीबन हम ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर एक मेन गेट है, ये अभी गाड़ी जा रही है वहाँ से ऊपर एक गेट है, इधर से आगे जो हमारा गांव का बॉर्डर है, और यहाँ से हमारा गांव ख़त्म होता है, ये इधर से आगे हमारा जो ब्रुक है उसके खाते में आते हैं। तो आप लोगों ने बताना है वीडियो कैसा है बना है, और पसंद आए तो आप लोगों ने लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर चैनल पर नए हो तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, इसी की तरह कि अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर कोई इशू हो गई है, और हैदर भाई देख रहे हैं गाड़ी को, ये आप रोड की हालत देख सकते हैं, ये जो है बहुत ही कच्चा रोड है, यहाँ से हम लोगों ने इजीली लेके जाना होगा देखते हुए। अभी ये है जी इस रोड से हमने जाना है, इस रूट से जाके इधर से आगे, इधर से आगे कोई दूसरा हमारा जो है और एक ब्रुक है वहाँ पे पहुँचती है, और इधर से जो हमारा मेन ब्रुक जो है वहाँ इधर से जाते हैं, इधर से जाके घूम के आना होता है। तो चले अभी हम बैठते हैं अंदर, और आगे अभी निकलना है, सफ़र बहुत लंबा है। सो चलिए जी, और एक बात आपको बता दूँ, तो ये जो रोड है वो पहाड़ के ऊपर से है, तो ये पहाड़ इधर से रोड बनाई हुई है जहाँ से जाते हैं। आप लोग भी अगर विज़िट करना चाहते हैं तो आ जाएं हमारे टाउन, आप लोगों के साथ हम घुमाने लेके जाएंगे।
दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने बनाई हुई है मस्जिद, जब भी कोई मुसलमान भाई आए और नमाज का टाइम हो तो यहाँ पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। और ये इसलिए बनाई गई है ताकि ब्रोक से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर आके नमाज भी पढ़ सकते हैं, और जो घूमने वाले आते हैं और यहाँ पर आप आके नमाज पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो हमारा एक सोच है, हमारा जो ईमान है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यहाँ से बहुत पानी आती है यहाँ से, तो इसकी वजह से इसके जो हम कहते हैं इसको फ्लड ना रूट कहते हैं हम बल्ती ज़बान में। आपको दिखा दूँ, ये जो ग्लेशियर है यहाँ से पानी आते है, इससे बचने के लिए ये मस्जिद तामीर किया हुआ है। और चलें जी अभी आगे चलते हैं। अभी आप लोगों को बताया ये इधर से नीचे भी इससे भी एक रोड है, ये दूसरे साइड जाते हैं और इधर से हमारा जो मेन ब्रोक है इस साइड जाते हैं, यहाँ से चुलुंग कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग कभी आएँ और यहाँ की विज़िट करें। इंशाल्लाह अभी जो ही गर्मियों का वक्त आएंगे मैं आपको हमारे जो ब्रोक है चुलुंग उसके भी आपको मंदिर दिखाएंगे। अभी चलें, देख सकते हैं आप पहाड़ों पे अभी भी बर्फ़ है और नीचे रोडों में भी थोड़ी सी बची हुई है। अभी गर्मियों का वक्त आने वाली है, फिर ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी और रोड की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4x4 गाड़ी पहुँचती है, आप कभी विजिट करें तो हमारे पास अवेलेबल है गाड़ी, आप लोगों को घुमाने लेके जाएंगे। चलो जी देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ़ आई हुई है, तो आप लोगों को दिखाने के लिए हमने मैं इधर रुका हूँ और गाड़ी को आगे भेजा है। ये देख सकते हैं बर्फ़, तो जो छोटे गाड़ी होते हैं वो यहाँ से नहीं पहुँचती है। ये देखिए 4x4 लगा के गाड़ी जा रही है, वो भी स्लिप कर रही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लेशियर है यहाँ पर, तो उसका जो पानी आता है यहाँ से आ रहा है, और ये देख सकते हैं इन सब पे बर्फ़ जमी हुई है क्योंकि नीचे से पानी चल रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए जी हम फिर से गाड़ी में बैठ गए हैं, अभी आगे जाना है, मंजिल दूर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक घर जैसा बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे लोग जो गरीब बकरी होते हैं माल मवेशी यहाँ पर ला के उनको यहाँ पर चराते हैं और इस साइड चराते हैं। ये देख सकते हैं नीचे से दरिया बह रही है, ऊपर पहाड़ से पहाड़ पे रोड बनाई हुई है और पहाड़ों को देख सकते हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं आप देख सकते हैं। बहुत एहतियात से आना होता है, नहीं तो आप देख सकते हैं नीचे खाई है और छोटा सा रोड बनी हुई है, एक ही गाड़ी आप यहाँ से चला सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइडिंग एरिया है, तो यहाँ से आप लोगों ने एहतियात से जाना होता है। अभी सर्दी का मौसम है, गर्मी आ रही है, उसकी वजह से अभी पानी नहीं आ रही है, नहीं तो यहाँ से पानी भी छुटती है। यहाँ पर एक ब्रिज है, मैंने आपको बताया कि उस साइड से भी एक हमारा ब्रोक है इस साइड पे, तो उसके लिए बनाया हुआ है। ये तकरीबन 1984 में इसको तामीर किया है, ये देख सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज है। तो यहाँ पर ब्लॉक आई हुई है, उसको हम पत्थरों को हटाते हैं, तो
ये जो पहाड़ है ये सारे गिर के देख सकते हैं, यहाँ पर आई हुई है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, इधर से कोई जगह निकालना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पर से कोई रास्ता ही नहीं है, तो अभी हम इनको हटाते हैं और यहाँ से रास्ता निकालते हैं। अभी हैदर भाई पत्थरों को हटा रहे हैं ताकि यहाँ से गाड़ी आजम आराम से गुजर सके, तो इनको भी हटाना पड़ेगा हमें। ये आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे गिरा तो डरा हम, तो मोबाइल को हम यहाँ पर रखते हैं और इनको हटाते हैं। यहाँ से अभी जो हमारा पाक फौज का है जो है मतलब गाड़ियाँ जो ही चलेगी ये सारे वो लोग इनको साफ करेंगे, अभी फ़िलहाल हमें साफ करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं ये पूरा स्लाइड ढाया हुई है। चलें जी इनको हम करते हैं, इसको हम गिराते हैं नीचे। बड़े बड़े पत्थर आए हुए, ओहो क्या सीन बनी है। चलें जी ये थोड़ा सा हमने बना लिया है, यहाँ से हम गाड़ी गुजारेंगे, तो अभी हैदर भाई गाड़ी इधर से लेके आएंगे। हम इनको इशारा देते हैं कि वो नीचे से ना ले जाए, ऊपर से लेके आए। थोड़ा यहाँ सर है, पत्थर आई हुई है उसको हटाते हैं। तो अभी 4x4 लगाएंगे फिर ये आराम से निकल जाएगा। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, क्या हम ये निकाल पाएंगे आप देखते रहें। हैदर भाई इन पहाड़ों में ड्राइविंग करते रहते हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी ड्राइविंग है। ये देख सकते हैं बस इसी जगह से हमको निकालना पड़ेगा। इशारा दे रहा हूँ मैं उनको, यहाँ ये ले जी निकल गई अपनी गाड़ी। चले जी अंदर बैठने जाते हैं। तो यहाँ पर आप जब भी विज़िट करें लोकल कोई ड्राइवर लेके आएँ, और हमारे पास भी गाड़ी मौजूद है 4x4, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं इस रोड पे चलाने के लिए। यहाँ के जो लोकल ड्राइवर हजरात होते हैं उनसे रब्ता करना होता है, नहीं तो आप लोग नहीं चला पाएंगे इस रोड से। ये देख सकते हैं कितने, यहाँ पर एक स्लाइड आई हुई है जहाँ से गाड़ी नहीं गुजर पा रही, तो सोच रहे हैं कि गाड़ी को यहाँ पर रोक के क्या हो गया है।
दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। ओ भाई साहब, तो ये देख लें आप लोग, ये स्लाइड आई हुई है और जगह भी नहीं है, तो भाई हिदर ने सोचा कि गाड़ी को नहीं कहीं पर पार्क करके जाते हैं, तो ये पीछे ले जा रहे हैं और ये देख सकते हैं ये आई हुई है। इसके अंदर जो है बर्फ़ और ये जो क्या कहते हैं कंक्रीट्स मतलब सैंड वगैरह यहाँ पर मिक्सअप होके आई हुई है। तो भाई हिदर ने सोचा कि गाड़ी को यहाँ पर पार्क करके आएँ, यहाँ से आगे हम पैदल जाएंगे। ये देख सकते हैं ये मतलब एक गाड़ी भी नहीं गुजर सकती, तो अभी इनको इंशाल्लाह साफ़ कर लेंगे। ये देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ भी आए हुए हैं, तो इस तरह की ग्लेशियर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हमारे जो ब्रुक है उसकी भी आपको सैर करवाऊँगा, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर तकरीबन हमारे लोग 2-3 महीने वहाँ पर रहने जाते हैं, और यहाँ पर आईबेक्स वगैरह भी बहुत बसते हैं यहाँ पर इन पहाड़ों में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लकीरें बनी हुई है ना, यहाँ पर आईबेक्स मतलब यहाँ से नीचे आके पानी पीना होता है और ऊपर चली जाती हैं, उसकी वजह से ये निशान सारे हैं। तो अभी हैदर भाई वहाँ पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आगे हम पैदल जाएंगे। तो एज़ अ पाकिस्तानी सियाचिन में रहते हुए भी हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, तो इसके लिए ये देख सकते हैं अभी हम इसके साथ तस्वीर बनाएंगे, क्योंकि हम प्यार करते हैं अपने पाकिस्तान से, और एज़ अ पाकिस्तानी हर किसी को अपने वतन से मोहब्बत होती है। एक नेशन के बाशिंदा होने के नाते हर कोई अपने मुल्क से प्यार करते हैं, इसी तरह हम सियाचिन में रह के पाकिस्तान से प्यार करते हैं, क्योंकि वी आर पाकिस्तानी। ये देख सकते हैं यार, तो अभी हमें पैदल जाना पड़ेगा और पैदल जा रहे हैं जी। ये आप देख सकते हैं पहाड़ों को, चलिए आगे दिखाते हैं। तो अभी हम काफ़ी हाइट पे आए हुए हैं, उसकी वजह से सांस भी फूल रही है, चलने में भी थोड़ा सा दुश्वारी हो रही है। तो यहाँ पर एक तो और एक चीज़ आपको बता दूँ, जब यहाँ पर रोड नहीं हुआ करता था तो हमारे लोग जो है ब्रोक में जाने के लिए इस साइड से आते थे, इधर से ऊपर से आके इधर ऊपर चले जाते, तो वहाँ पर हमारे जो ब्रोक है वहाँ पर पहुँच जाते। तो अभी हमारे पाक फौज ने ये रोड बनाई हुई है, तो ईज़िली हम 4x4 लेके आ सकते हैं, बाइक भी लेके आ सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आप लोगों को देख के चलाना पड़ेगा। तो अभी मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि पहले हिडन थे, अभी हम आपको एक्सप्लोर करेंगे। सो उसके पास हम पहुँच रहे हैं, वहाँ पर पहुँच के आपको दिखाते हैं। तो वो हिडन जगह ये है जी, यहाँ पर एक आबशार होता है और अभी फ़िलहाल जमी हुई है, यहाँ से पानी आ रही है, देख सकते हैं पूरा रोड बर्फ़ से जमी हुई है। तो यहाँ पर एक खूबसूरत व्यू मिलती है, एक आबशार आप गर्मियों में ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही इन्जॉयमेंट फील करेंगे आप। ये रहा वो आबशार, ये देख सकते हैं ये अभी बिल्कुल जमी हुई है, और यहाँ से एक पुल है, इधर से हमारे ब्रोक के साइड जाते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ से हम पिक्चर वगैरह लेंगे, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर भी आती है यहाँ पर। तो अभी हम उस ग्लेशियर के नज़दीक जाते हैं, आबशार के सॉरी, तो अभी भी बर्फ़ जमी हुई है।